नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन. कोन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. हुज स्लैंट हाइट एल गिवन है हमें. स्लैंट हाइट एल इज 10 सेंटीमीटर. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. फाइंड करना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. हमारे पास फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कोन के, पाई आर एल. पाई कुछ भी गिवन नहीं है, सो 22/7. रेडियस इज 7, स्लैंट हाइट इज 10. 7 से 7 कैंसिल, सो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी है, सिर्फ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, रेडियस भी गिवन था और कोन का स्लैंट हाइट भी गिवन थी. अगर हमें स्लैंट हाइट गिवन ना होके हाइट गिवन होती तो हम क्या करते, पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाते, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड करते, देन पुट करते. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कोन के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको जो गिवन है वो सिंपली हाइट गिवन है या स्लैंट हाइट गिवन है. अगर तो स्लैंट हाइट गिवन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन अगर हाइट गिवन है तो आपको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उस फॉर्मूला को यूज करते हुए स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड करनी होगी. Then you will have to put it in the formula. Clear?